का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई का। इसमें कह रहा है कि इफ y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x देन प्रूव दैट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy / dx प्लस y इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए हम लोगों को y का वैल्यू हम लोग ये दिया गया है, तो कह रहा है कि इस रिजल्ट को हम लोगों का प्रूफ करने के लिए इसमें क्या कह रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx का मतलब क्या हो गया कि इस जो फंक्शन हम लोगों को दिया गया है उसको क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव निकालना है, उसको इसमें पुट करेंगे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवेन लिखेंगे, गिवेन ये y इक्वल टू ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ओके, अब लोग क्या करें यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड में यहाँ पे क्या वेरिएबल क्या x है, ये क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ ये y यानी कि LHS इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ RHS यानी कि रूट अंडर 1 माइनस x अपॉन में ये 1 प्लस x। ओके, आगे देखिए, देखिए यहाँ पे d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, देखिए आप सबसे पहले रूट का होगा यहाँ पर समझिए कि x है, हम लोग दोस्तों जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स क्या होता है बताइए, ये होता है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए, ये आप लोग नहीं देखे हो तारस अग्रवाल का सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, इसको प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कीजिएगा तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो शायद समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग रूट का सॉल्व करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो जगह 1 अपॉन में ये 2 रूट अंडर एक्स का जगह कितना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन में ये 1 प्लस एक्स। ओके, एक्स के जगह क्या था ये पूरा एक्स था, इसके जगह यहाँ पुट कर दे इनटू, अब हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का करेंगे एक्स के जगह पे 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। इससे आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 अपॉन में ये 2 इंटू, दोस्तों देखिए यहाँ पे रूट में यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया गया है जिसको हम अलग अलग रूट में भी ले सकते हैं, ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ये दोस्तों रूल क्या है, प्रोडक्ट और डिवाइड में यदि रहेगा हम लोगों को रूट में रहेगा तो हम लोग अलग अलग रूट में कंबाइन कर सकते हैं इनटू सेपरेट कर सकते हैं सॉरी, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा क्वेश्चन टू लगेगा तो ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा वी का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 प्लस एक्स इनटू ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि 1 माइनस एक्स इन सॉरी फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी यानी कि 1 प्लस एक्स, क्वेश्चन टू लगाए भी का स्क्वायर, फिर ऊपर में आएगा भी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी। आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, अब दोस्तों देखिए नंबर अपॉन फ्रैक्शन ये चला जाएगा ऊपर, ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 टाइम्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू, अब यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ 1 कॉन्स्टेंट है 0, ये हो जाएगा माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी कि 1, ये हो जाएगा 0 माइनस 1, फिर माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ 1 0 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1 अपॉन में हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू, दोस्तों देखिए इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से ये हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स, देखिए माइनस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स क्योंकि ये 1 है तो इसको एजिटी रहेगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओके अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देखिए प्लस एक्स से ये माइनस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इंटू में रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू ये माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए
तो हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ हो जाएगा रूट अंडर, देखिए माइनस पर लिख दिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आगे देखिए, अब देखिए इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया यहाँ पे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या करें डी वाई डी एक्स में क्या कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी गेट, क्योंकि हम लोग उसमें कह रहा था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये dy बाई डी एक्स इक्वल, राइट साइड में भी करेंगे तो माइनस ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट अंडर ये हो जाएगा हम लोगों को 1 माइनस एक्स। ओके, इंटू ये 1 अपॉन में ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग ऐसे ले सकते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। देखिए हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट अंडर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ले सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, आगे देखिए यहाँ से, अब इससे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये बच गया यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन में ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। आगे देखिए, देखिए पिछला पेज में दोस्तों हम लोग ये रिजल्ट आया था, आगे देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स एज इट इज इंटू, दोस्तों इसको देखिए क्या ले सकते हैं, ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं, ताकि स्क्वायर से रूट यदि कैंसिल होगा तो यही टर्म हम लोग बच जाएगा। ठीक इसी तरह से इसको ले सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको भी कैंसिल करें रूट से तो ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यही बचेगा। तो इस दोनों टर्म को हम लोग इतना ले सकते हैं, इससे क्या फायदा होगा दोस्तों, देखिए ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स से यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस एक्स से एक ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ पे क्या बचा रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस एक्स। दोस्तों देखिए ये माइनस हो गया, यहाँ पे देखिए रूट में अलग अलग दिया गया है टर्म यहाँ पे, तो देखिए जैसे यहाँ पे रूट अंडर ए अपॉन में रूट अंडर बी है, इसको हम लोग एक रूट में भी कंबाइंड करके ऐसे लिख सकते हैं, या एक रूट में इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स अपॉन में ये 1 प्लस एक्स। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन में हम लोग यही दिया गया था, वाई का वैल्यू दिया गया था, ये किसका वैल्यू दिया गया था वाई का, यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये माइनस ये किसका वैल्यू था वाई का, क्वेश्चन में देख लीजिएगा ये वाई दिया गया है। ओके, तो हो जाएगा माइनस वाई। अब दोस्तों देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस वाई आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ, लिखेंगे नाउ जो हम लोग प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाई इक्वल टू जीरो। एल एच एस से आ जाइए, लेकिन यहाँ पे एल एच एस क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब दोस्तों देखिए इसका वैल्यू क्या है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस वाई, तो हो जाएगा माइनस वाई, ये प्लस वाई कैंसिल हो गया इक्वल टू जीरो, और ये हो गया आर एच एस और ये प्रूव्ड हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो,
देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पहले गिवन लिखिए, गिवन x रूट अंडर ये वन प्लस वाई प्लस ये y रूट अंडर वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। दोस्तों देखिए यहाँ पे इक्वेशन के टर्म में दिया गया है फॉर्म में, इसको हम लोग क्या करें, एक को हम इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसको राइट साइड में भेज देते हैं, एक्स रूट अंडर ये वन प्लस वाई इक्वल टू माइनस ये वाई रूट अंडर क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स, इस टाइम को राइट साइड में शिफ्ट किए थे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा जीरो का राइट साइड में जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों दोनों तरफ क्या है रूट दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा एक्स रूट अंडर ये वन प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये वाई रूट अंडर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके आगे देखिए, इसमें इसका स्क्वायर करते एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा वन प्लस वाई इक्वल टू माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये रूट अंडर वन प्लस एक्स रूट अंडर वन प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि वन प्लस एक्स हो जाएगा। आगे देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग को देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। ओके आगे देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट में लाइए तो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, और इसको हम लोग क्या कर राइट साइड में ले जा रहे हैं। अब इसे आगे देखिए यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए देखिए इससे आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ दोस्तों देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स वाई यहाँ से हट गया तो क्या बचेगा वाई, और यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स वाई हटा तो क्या बचा एक्स। आगे देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दोस्तों देखिए यहाँ पे यहाँ से हम लोग क्या करें माइनस यदि कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कॉमन लेंगे एक्स वाई इसका साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा निगेटिव एक्स है तो पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, और पॉजिटिव वाई है तो हो जाएगा निगेटिव वाई, यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई। आगे देखिए इस साइड में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, डीवाई डीएक्स का वैल्यू निकालना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वाई को यहीं पे छोड़ देते हैं, इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा माइनस एक्स। आगे देखिए वाई को इसलिए लेफ्ट में छोड़े ताकि एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा डीवाई डीएक्स हो जाएगा, तो वाई एज इट इज यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस एक्स यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस एक्स यदि हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, एक मिनट दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है माइनस एक्स वाई है, तो हम लोग जो रिजल्ट लाना है क्या है dy dx इक्वल टू क्या है माइनस वन अपॉन में क्या है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। दोस्तों देखिए ये y है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स वाई, इसको हम लोग क्या करें लेफ्ट में लाते हैं, तो ये वाई प्लस ये एक्स वाई इक्वल टू ये प्लस एक्स को राइट साइड में शिफ्ट करते हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ से तो y यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, तो हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ओके अब दोस्तों देखिए अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये वाई इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स। ओके आगे देखिए यहाँ पे क्या लगेगा क्वेश्चन टू लगेगा ये यू और ये भी, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा हम लोगों को ये 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, फिर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ओके आगे देखिए, तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स, और इंटू में हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ 1 कितना 0, प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये प्लस एक्स इंटू 1 हो जाएगा एक्स अपॉन में ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए लास्ट में देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब इसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ y इक्वल टू x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर n, देन प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू n y अपॉन में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे गिवन ये y इक्वल टू हम लोग को दिया गया x प्लस रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर एन। ओके अब यहां लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये एक्स प्लस रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर एन। आगे देखिए, तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, दोस्तों देखिए ये पूरा है x, ये x टू द पावर n है, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, सबसे पहले इस पावर को पहले सॉल्व करेंगे तो n इंटू x, x की जगह पे x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1। देखिए n x की जगह पे ये है टू द पावर एन माइनस वन इंटू, अब हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स प्लस रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके सबसे पहले इस पावर को सॉल्व किए, इसका इसको डिफ्रेंशिएट किए। आगे देखिए, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा एन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर एन माइनस वन इंटू, अब दोस्तों देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा तो 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा रूट का होगा, ये समझिए कि x है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर x, x के जगह पे ये पूरा टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब किसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट है। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स प्लस रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर एन माइनस 1 इंटू में ये 1 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा 2x, या 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ये 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर एन माइनस 1 इंटू, यहाँ पे कैल्सियम हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वंस इसको डिवाइड करते हैं एज इट इज ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस एक्स। दोस्तों आगे देखिए, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन
हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर एन माइनस वन इन टू। दोस्तों यहाँ भी वही चीज़ है, देखिए एक्स प्लस रूट अंडर, इसको सीधा करके लिख देते हैं, यहाँ इसका पावर नहीं कुछ है था वन अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ बेस क्या है, सेम है, ये बेस सेम है, यहाँ भी देखिए सेम है, तो बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाए ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन इन टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाए एन माइनस वन, और ये प्लस वन हो जाएगा, बेस सेम है मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस वन से माइनस वन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन में रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या बचा दोस्तों, देखिए एन इन टू ये हो जाएगा एक्स प्लस ये रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाए एन अपॉन में ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोस्तों देखिए यही हम लोगों का क्या था, वाई का वैल्यू था, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर क्या है एन। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर एन, इसको हम क्या बोलेंगे वाई, यहाँ पे इसको वाई पुट कर देंगे, ये पूरा क्या है यहाँ पे ये वाई है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन इन टू इसके जगह पे एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर एन को हम क्या लिखेंगे वाई अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोस्तों हम लोग को प्रूव करना था, देखिए यहाँ पे एन इन टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर एन है, इसको हमने क्या किया वाई लिख दिए एन वाई अपॉन में ये। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीके यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप रिक्वेस्ट है चैनल लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।